मैं डॉक्टर एस बी शर्मा, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स एंड न्यूरोलॉजी ईएससीसी हॉस्पिटल, पूर्व अधीक्षक एन एच ओ डी जेकेलॉन हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे बच्चे में संतुलित आहार कैसे दें। ज़्यादातर माओं की कंप्लेंट होती है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, लेता नहीं है, कुछ नहीं खा रहा, जबकि उसका वजन ठीक होता है। कुछ मदर्स होती जो कहती है कि खिलाते हैं बहुत है पर अंग नहीं लग रहा। तो असलियत में ये है क्या, माइल्ड न्यूट्रिशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि जो हमारे पांच इंग्रेडिएंट है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन एंड मिनरल्स, इनकी एक स्पेशल प्रपोर्शन में इनकी मात्रा जानी चाहिए, वो बच्चे के शरीर में नहीं जा पाती। तो हम बताएंगे कि जो हमारे संतुलित आहार में इन पांच अवयवों का कितना प्रपोर्शन होना चाहिए। बहुत सिंपल सी है, कार्बोहाइड्रेट यानी अन्न, अन्न में आते हैं अपने चावल गेहूँ मक्का ज्वार बाजरा, तो ये होनी चाहिए 55% मात्रा हमारे अन्न की होनी चाहिए खाने में। 25% करीब प्रोटीन होना चाहिए और 30% के करीब होता है फैट। बच्चों में फैट की मात्रा करीब 25 से 30 होती है, बड़ों में ये मात्रा 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम ये प्रोपोर्शन कैसे कैसे खिलाएं, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अपनी पांच अंगुलियों की तरह समझ लें कि कार्बोहाइड्रेट 55%। अब कार्बोहाइड्रेट में सारी चीज़ें आती है, गेहूँ मक्का ज्वार बाजरा चावल, साथ में चीनी शकरकंद आलू ये भी इसमें शामिल है, तो ये हमारे खाने में 55% होना चाहिए। प्रोटीन जिसमें दालें आती हैं सभी तरह की, चना मूंग और उड़द और सोयाबीन राजमा, इनका प्रपोर्शन खाने में करीब 20 से 25% होना चाहिए। और फैट होती है बच्चों में करीब 25 से 30%, बड़ों में ये कम होती है। फैट में आती है दूध दही मक्खन पनीर चीज़ घी तेल, और जिनसे ये चीज़ें आती हैं हम डराइव करते हैं लाइक जैसे मूंगफली तिल तिलहन। और विटामिन और मिनरल फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कुछ फलों में जो साइट्रस फ्रूट में विटामिन सी ज़्यादा मिलता है, बाकी सभी फलों में करीब बी कॉम्प्लेक्सेज मिलते हैं। हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मिलता है, आयरन मिलता है और बी कॉम्प्लेक्सेज मिलते हैं। तो अगर हम संतुलित आहार बनाएं, ऐसा आहार जिसमें सभी चीज़ें एक साथ हो, उनको मल्टीमिक्स कहते हैं। तो बच्चों में ज़्यादातर मल्टीमिक्स हमें खिलाना चाहिए, जिसमें जैसे उदाहरण के तौर पर खिचड़ी चावल मूंग की खिचड़ी, उसमें घी डालो या बटर डालो, साथ में उसमें सब्जियां काट के डाल दो, ये अपने आप में बैलेंस डाइट होगी। इसी तरह चूरमा बाटी दाल पराठा स्टफ पराठा, दूध राबड़ी दूध खिचड़ी दूध दलिया दूध रोटी, उसके साथ दाल दाल रोटी, सभी चीज़ें समोसा कचौरी या स्टफ फूड्स, ये सब अपने आप में बैलेंस डाइट मल्टीमिक्स के रूप में हम बच्चों को दे सकते हैं। और जो बच्चे के खाने में पांच बातें ध्यान में रखनी है कि जो बच्चा पसंद नहीं करे वो नहीं खिलाएं, जो बच्चा ज़्यादा पसंद करता है ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, उसे मीन मेक नहीं निकालें। अगर रोटी नहीं खा रहा तो रोटी की जगह आप लोगों को ध्यान रखना है कोई भी अन्न खाए, पराठा खाए या ब्रेड खाए या बन खाए या नूडल खा रहा है, तो एक ही बात है, उसमें मीन मेक की जरूरत नहीं है। दालें हर बच्चा खाता है, नमकीन के रूप में खाता है तो नमकीन खिलाओ और दाल बनी हुई दाल खिलाओ। फैट सब बच्चे खाते हैं, दूध नहीं ले तो दूध की जगह दही मक्खन पनीर चीज़ या दूध को खाने में मिला के दिया जा सकता है। तो ये तरीके हैं खाना खिलाने के, और साथ में उस खाने में सब्जियां और फल भी मिला दें, तो मैं समझता हूँ वो अपने आप एक बैलेंस डाइट होती है। कई माँ कहती है बच्चा सब्जी नहीं खाता तो सब्जी का सूप बना के दे दें, मल्टीपल या मिक्स सब्जी बना के दें तो बच्चा खा लेता है। पाव भाजी के साथ में वो भाजी खाता है, भाजी में चार पाँच सब्जियाँ मिलती हैं हम जानते हैं सब, टमाटर डलता है पत्ता गोभी डलती है आलू डलता है बैंगन डलता है, उसको मत दिया तो बच्चा आराम से खा लेता है, उसको ये पता लेता है किस चीज़ की सब्जी है। जूस नहीं ले फ्रूट्स नहीं खा रहा हो तो जूस निकाल के दे दो, फ्रूट के चाट बना के दे दी, सारे फलों को काट के उनको मिक्स कर दिया और फ्रूट चाट बना दी या शेक बना दिया फ्रूट का। तो मैं समझता हूँ बच्चे की इच्छा अनुसार उस रूप में अगर हम खाना दें तो हर बच्चा खाना खाएगा। कोई ऐसा बच्चा, सब बच्चे बढ़ने के लिए आए संसार में, अपना कुछ करने के लिए आए, तो उनको दिमाग चलाने के लिए शरीर चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा वाला खाना देता है, तो हर बच्चे की आवश्यकता है। अब क्या चीज़ उसको पसंद है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बच्चे की पसंद अनुसार शुद्ध ताज़ा खाना दे, तो मैं समझता हूँ हर बच्चा खाना खाएगा और वो कभी कुपोषण कुपोषण के ग्रस्त नहीं होगा।